हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंगल कलर का निटिंग पैटर्न डिज़ाइन। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले आप डिज़ाइन को समझ लिए कि किस तरीके से आप इस डिज़ाइन को सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर बना दिया है। मैंने ये बीड्स ले लिए हैं। साइज़ छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हैं। बड़ा साइज़ लेंगे तो बड़ा साइज़ ही पूरा लेना है आपने, और छोटा साइज़ लेंगे तो पूरा आपने छोटे साइज़ के ही बीड्स को लेना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर बना दिया है। बॉर्डर बनाने के बाद आप इस डिज़ाइन को जैसे 6 इंच, 4 इंच जितना भी चाहें तो वो आप स्लीव के आगे आगे भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, और नीचे भी 6 इंच या 4 इंच जो भी रखना चाहते हैं बीड्स के साथ इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और बाकी फिर जो है आप बिना बीड्स के भी ये डिज़ाइन को ऊपर तक आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा ये कार्डिगन पर अगर आप बनाते हैं तो। अब देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं। 6 मल्टीपल +2H फंदे लेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, और बॉर्डर बनाने के बाद हम इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। रॉन्ग साइड से हम फर्स्ट रो बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड से आपने फर्स्ट रो को बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा एच फंदा है। इस फंदे को यहाँ पर मैंने उल्टा बनाया। धागे को अब हम घुमाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपने बनाना है 1, 2 और 3 फंदे आपने इसमें सीधे बनाने। ये हमारा एच फंदा, 1, 2, 3 फंदे हमने सीधे बनाए। अब आपने देखिए 1, 2, 3 फंदे आप इसमें स्लिप करेंगे। अब आपने रिपीट करना है 1, 2 और 3 फंदे सीधे बनाने हैं। आपने इस धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, ये वाला धागा आपने नॉर्मली रखना है, ना ज़्यादा खींचना ना ही ज़्यादा आपने इसको लूज रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे बनाए। अब देखिए 1, 2, 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर रिपीट करेंगे 1, 2, 3 फंदे सीधे बनाए, फिर रिपीट करेंगे। देखिए 3 फंदे हमने स्लिप करना है, और यहाँ पर 3 फंदे हम इसमें सीधे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो को आप इसी तरीके से बनाएंगे। राइट साइड से बनाएंगे हम सेकेंड रो। सीधा बनाया, धागे को करेंगे हम आगे। अब देखिए, आपने 1, 2, 3 फंदे आपने स्लिप करने हैं। अब यहाँ पर आपने 1, 2, 3 फंदे आप इसमें उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1, 2, 3 फंदे आप बनाएंगे, 1, 2, 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1, 2, 3 फंदे आप बनाएंगे उल्टे स्लिप करेंगे। अब 3 फंदे आप इसमें उल्टे बनाएंगे। राइट साइड से सेकेंड रो को आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से बनाएंगे हम थर्ड रो। एच फंदा, उल्टा बनाया, उल्टा। थर्ड रो में आपने सभी फंदों को उल्टा ही बनाना है। इस रो को उल्टा बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से बनाएंगे हम फोर्थ रो। ये हमारा एच फंदा, सीधा बनाया, सीधा। राइट साइड से फोर्थ रो को आपने सीधा ही बनाना है। सीधा बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से बनाएंगे हम फिफ्थ रो। रॉन्ग साइड से फिफ्थ रो को आपने उल्टा ही बनाना है। इस रो को उल्टा बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से बनाएंगे हम सिक्स्थ रो। एज फंदा, सीधा बनाया। अब देखिए, 1, 2, 3 फंदे हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं। इसमें आपने एक फंदा और सीधा बनाना है। ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। इससे पहले आपने ये देखिए, हमारे 2 यहाँ पर रो बनी है, ये वाली जिसमें धागा हमारा आगे की तरफ है। आपने नीचे से आपने सिलाई को इस तरीके से ऐसे लेना है। अब आपने धागे को आगे करना है और बीड्स को भी आगे करना है। इस फंदे को आपने उतारना है। अब आपने नीचे से ये देखिए, बीड्स को ऐसे लेते हुए, ये देखिए धागा हमारा, ये वाला धागा, इसको आपने ऐसे दबाते हुए, ये देखिए ऐसे, और अब आपने इसको नीचे से निकाल देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब आपने हल्का सा इस धागे को सेट करना है, ये देखिए खींच देना है, और इसे आपने सीधा बनाना है। आप एक फंदा ये हमारा सीधा बन गया। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारा एच फंदा, 1, 2, 3 फंदे हमारे यहाँ पर ये डिज़ाइन के फंदे हैं। अब आपने 1
टू और थ्री फंदे अब आपने सीधे बनाने हैं। ये देखिए, ये जो हमने अरे उल्टे फंदे हैं इसके ऊपर वाले आपने तीन फंदे सीधे बनाने हैं। अब ये हमारे पास वन टू थ्री फंदे डिजाइन के हैं, अब आपने एक फंदा और सीधा बनाना है। ये देखिए, आपने नीचे से सिलाई को ऐसे निकालना है, बीट्स को आपने आगे करना है और एक फंदे को आपने उतारना है। धागे को लेफ्ट साइड में करेंगे और अब देखिए, आपने ये वाले फंदे के बीच में से ये देखिए ऐसे करते हुए और आपने बीट्स को निकाल देना है। ये ऐसे धागे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा अब हम इसमें सीधा बना देंगे। तो ये देखिए, वन टू थ्री फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। फिर रिपीट करेंगे एक बार, फिर देखिए वन टू और थ्री फंदे हम इसमें सीधे बनाएंगे। अब ये वन टू थ्री फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं, इसमें एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे। बीच में से आपने सिलाई को ऐसे निकालना है, आपने बीट्स को आगे करना है, एक फंदा अब आपने उतारना है। अब आपने ये देखिए नीचे से सिलाई को ले जाते हुए आपने ये देखिए ऐसे निकालना है, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा और सीधा बनाएंगे। यहाँ पर वन टू थ्री फंदे हमारे डिज़ाइन के, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। अब सिक्स रो आपने इसी तरीके से रिपीट करनी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, सिक्स रो को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब रॉन्ग साइड से बनाएंगे हम सेवन्थ रो। सेवन्थ रो बनाने से पहले आपने डिज़ाइन को सेट करना है। ये देखिए, आगे से आप देख सकते हैं यहाँ पर वन टू थ्री फंदे हमने जहाँ पर बीट्स लिया, ये हमारा डिज़ाइन का है। अब देखिए वन टू थ्री फंदे, अब यहाँ पर पहले हमने उल्टा बनाया था, अब आपने यहाँ पर कैसे करना है ये देखिए, एक फंदा उल्टा एज फंदा, धागे को करेंगे पीछे। अब देखिए आपने वन यहाँ पर देखिए, पहले हमने सिंपल बनाया था उल्टा, ये देखिए यहाँ पर उल्टा बनाया था, अब आपने यहाँ पर वन टू थ्री फंदे ऐसे लेने। अब देखिए यहाँ पर आपका ये डिज़ाइन बना था वन टू और ये थ्री फंदे, थ्री फंदों को अब आपने यहाँ पर सीधा बनाना है। वन टू और थ्री फंदे अब इसमें आप सीधे बनाएंगे। फिर रिपीट करेंगे वन टू थ्री फंदे स्लिप करेंगे, थ्री फंदे आप इसमें आप स्लिप सीधे बनाएंगे। वन टू और थ्री फंदे स्लिप करेंगे, अब यहाँ पर थ्री फंदे हम सीधे बनाएंगे। राइट साइड से रॉन्ग साइड से सेवन्थ रो को आप इसी तरीके से कंप्लीट करिए। देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड से सेवन्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब राइट साइड से हम बनाएंगे एट्थ रो। एट्थ रो बनाने के लिए देखिए, जैसे हमने सेकेंड रो बनाई थी, देखिए आपने जो डिज़ाइन के ऊपर आपने डिज़ाइन बनाना है, ये बस थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन ये चेंज है, ये यहाँ पर बनाया था पहले हमने, अब हमने ये यहाँ पर बनाना है, पहले यहाँ बनाया था हमने, अब हमने यहाँ पर बनाना है। सेम ऐसे ही बनाना है, सेकेंड रो से फिफ्थ रो तक आप रिपीट करेंगे। रिपीट कर आप फिर उसके बाद में आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इतना डिज़ाइन बनाना, अब आपने बीट के साथ डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए सीधा बनाएंगे एज फंदा, अब आपने वन टू थ्री फंदे इसमें और सीधे बनाएंगे। अब ये हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं, वन टू थ्री फंदे, सेंटर पर डिज़ाइन बनेगा इसलिए एक फंदे को हम यहाँ पर और सीधा बनाएंगे। नीचे से सिलाई को निकालेंगे, बीट्स को हम आगे करेंगे, ये देखिए फंदे को निकालेंगे। अब आपने इसको नीचे से ऐसे निकालना है, ये देखिए इस धागे को अब हम पीछे करेंगे, अब हम सीधा बनाएंगे। वन टू थ्री फंदे हमने सीधे बनाए, अब हमने एक फंदा और इसमें सीधा बनाना है। जो ये देखिए वन टू थ्री फंदे बनाए, यहाँ पर अभी टू फंदे हैं, एक फंदा इसमें और सीधा बना लेंगे। अब देखिए वन टू थ्री फंदे ये डिज़ाइन के हैं, इसमें एक फंदा सीधा बनाएंगे, ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। नीचे से सिलाई को लेंगे, बीट्स को हम आगे कर लेंगे, इस फंदे को निकालेंगे। अब आपने ये देखिए इस बीट्स को अंदर की तरफ करेंगे, ये देखिए ऐसे भी आ जाता है ये बीट्स इस तरीके से, ये देखिए धागे को पीछे करेंगे और सीधा बनाएंगे। इस डिज़ाइन को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बड़े पैटर्न में ये डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है। इसमें आप ज़्यादा छोटे और ज़्यादा बड़े बीट्स ना डालें, ज़्यादा बड़े बीट्स से ये डिज़ाइन सुंदर नहीं लगेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का बीट्स लिया है, कुछ इस तरीके के बीट्स हैं ये वाले।
ये देखिए इस तरीके के बीट्स हैं ये। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।